Ladies and gentlemen, we have with us the presidents. Please put your hands together and give them a huge round of applause. Thank you. I would request honorable dignitaries on the dais to kindly take the seats, and I would also request the august audience this afternoon to please take the seats. A very good afternoon, honorable dignitaries on the dais, invited guests, staff and students of ITM University. Kindly permit me to share with you the significance, joy and pride of this moment. It is truly fortunate that we have been bestowed with the opportunity of sharing space with the most important dignitaries of our country in the city of Baiju Babra, Tansen and Mrigneni. Ladies and gentlemen, this is a historic moment for the city, this university, and for all of us present here. Dr. Ram Manohar Lohia was an intellectual giant, a great soldier who fought for the independence of India, a leader, thinker, and a philosopher. He was a man who sacrificed his entire life for the freedom of the countries in the subcontinent. Nothing could ever daunt him from fighting for the poor, downtrodden and oppressed. He worked endlessly towards the upliftment of his countrymen. We have all gathered here to commemorate Dr. Ram Manohar Lohia's indispensable service to humankind. Ladies and gentlemen, with immense pleasure, may I request Honorable Chancellor, ITM University, Sri Rama Shankar Singh, to kindly come for the welcome address. भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति महोदय, आज़ादी की लड़ाई के मूल्यों से उपजे संविधान के प्रमुख संरक्षक, संसद के अधिष्ठाता, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, न्यायिक अपील की अंतिम आशा, भारत के प्रमुख पदों के नियोक्ता, कानून की अनिवार्य सहमति केंद्र, वित्तीय कदमों और कानून के अनिवार्य सहमति केंद्र, माननीय राष्ट्रपति जी,
मध्य प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी, हरियाणा के राज्यपाल महोदय प्रोफेसर सोलंकी जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री और लोहिया अनुयायी श्री नीतीश कुमार जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और इस कार्यक्रम के प्रेरणा पुंज श्री डीपी त्रिपाठी जी, आज अपने पुरखों को याद करने का दिन है और एक विशेष पुरखे का, जिसका आजादी की लड़ाई में अप्रतिम योगदान था और उसके बाद सब प्रयास कोशिश करके सत्ता से दूर रहकर तमाम प्रस्तावों को लगातार ठुकराते हुए लोकतंत्र की रक्षार्थ विपक्ष में, प्रतिपक्ष में और प्रतिपक्ष की धारा को चलाने का जो व्यक्तित्व था डॉक्टर लोहिया, उनको याद करने का दिन है। और जिस धरती पर हम ये याद कर रहे हैं वो ग्वालियर और चंबल अंचल, इसको थोड़ा सा इसके बारे में माननीय राष्ट्रपति जी और तमाम अतिथियों के सामने कहना जरूरी है कि जब मुगल साम्राज्य के अंतिम कश्मीर में गवर्नर थे फकीरुल्लाह साहब, उन्होंने अपनी किताब राग दर्पण में ग्वालियर को शिराज कहा था। शिराज वो काल्पनिक नगर है जो फारस में सिर्फ गुणी जनों को बसाने के लिए सोचा गया था कि ग्वालियर भारत का शिराज है। इसी ग्वालियर में 15वीं सदी में अपभ्रंश के महान विद्वान और कवि रैधु हुए, जिन्होंने ग्वालियर में 20 ग्रंथों का सृजन किया। राजा मानसिंह तोमर का साम्राज्य राज, राजा मानसिंह तोमर कला संगीत रसिक मर्मज्ञ और उनके कारण भारतीय शास्त्रीय संगीत का आदि संगीत ध्रुपद ग्वालियर में पैदा हुआ, बढ़ा, यहां से बिहार और पंजाब गया। बिहार और ग्वालियर के बीच में यह रिश्ता बड़ा सुरीला है। पटियाला से टप्पा लौट के आया, यहां के लोगों ने गाया। ये जो मानसिंह तोमर सा, राजा मानसिंह तोमर के प्रमुख संगीतकार दरबारी नायक बख्शु, वो संगीतकारों ने, शास्त्रीय विद्वानों ने माना कि 500 साल के सबसे श्रेष्ठतम गायक स्तंभ वो थे नायक बख्शु, जिनको शाहजहां ने उनके पदों का संग्रह संकलन प्रकाशन किया। अकबर के दरबार में 32 संगीतज्ञ थे, उसमें से 16 ग्वालियर के थे। ये ग्वालियर की उस हैसियत को बताता है। हमारे बगल में चंदेरी, चंदेरी के बैजू बावरा, राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर के पास के गांव की युवती कन्या मृगनयनी से विवाह किया और बैजू बावरा ने उनको संगीत सिखाया इसी ग्वालियर में। सूरदास, महाकवि सूरदास कि जो मिसरी घुली ब्रजभाषा का पद है, लाखों सवा लाख पद लिखे सूरदास ने और ब्रजभाषा में लिखे, उसके 100 साल पहले
इसी ग्वालियर में महाकवि विष्णुदास ने महाभारत को ब्रजभाषा में रूपांतरित किया। मध्यकाल के लेखक संत नाभादास यहीं पैदा हुए। महाप्रभु बल्लवाचार्य की पुस्तक अष्ट छाप के कवि गोविंद स्वामी यहीं बगल के गांव में आत्री में जन्मे। रीतिकाल में बिहारी कवि बिहारी वो ग्वालियर के थे और जयपुर में जाकर उन्होंने बिहारी सतसई का सृजन किया जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। आठवीं शताब्दी में तो जो महान नाटककार हुए भारत के भवभूति, उन्होंने आके यहीं के गांव पवाया में अपनी रचनाएं लिखी। और ग्वालियर घराना तो कहना क्या, अभी कुछ बरस पहले तक हमने स्वयं दर्शन किए हैं और सुने हैं गणपतराव भैया, हाफिज अली उस्ताद हाफिज अली खां, अभी उनके पुत्र उस्ताद अमजद अली खां, पंडित कृष्णराव शंकर पंडित, राजा भैया पूंछ वाले, पंडित बाला साहब पूंछ वाले, ये सब ग्वालियर घराने के नक्षत्र हुए संगीत में। और ग्वालियर घराना आप सबको पता है, उसके बाद आधुनिक कविता के सबसे श्रेष्ठतम हस्ताक्षर मुक्तिबोध बगल में पैदा हुए, अंचल में, श्योपुर में। इतना ही नहीं, जब यहां डॉक्टर लोहिया की प्रेरणा से समाजवादी आंदोलन चला तो अनेक साहित्यकार जैसे जगन्नाथ प्रसाद बिलिंद आंदोलन में भी रहे, आजादी की लड़ाई में रहे, साहित्य भी रचा। और बड़े बड़े विद्वान हरिहर निवास द्विवेदी, गीतकार वीरेंद्र मिश्र, भाषाविद प्रोफेसर राम सिंह तोमर, ये सब इसी ग्वालियर के धरती पर उन्होंने अपनी छटा बिखेरी है। ऐसा ग्वालियर और चंबल अंचल आपका स्वागत करता है सबका। शायर जानिसार अख्तर, निदा फाजली, जावेद अख्तर, गांधीवादी सुब्बा राव, पीवी राजगोपाल, ये सब यहां ग्वालियर के हैं। और ग्वालियर की एक विशेष बात है, क्योंकि जब हम पुरखों को याद करते हैं तो हम कुछ भूलते भी हैं, और ये समाज का एक गुण नहीं कहा जा सकता। यहां वो शाल भंजिका अंधेरे में पड़ी है गुजरी संग्रहालय में, जो विश्व की अप्रतिम प्रतिमा है, मूर्ति है। पेरिस में दाविंची की बनाई मोनालिसा, उसके सामने हर वक्त सैकड़ों लोग उसके दर्शन करते हैं। उसके मुकाबले की प्रस्तर मूर्ति है शाल भंजिका। और कभी कभी इतिहास में कुछ काला रंग, कुछ काला दाग लग जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई जब अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रही थी 1857 में, उनकी अंग्रेज टुकड़ी के दौरान मृत्यु भी यहीं हुई और यहीं उनका उत्सर्ग हुआ। उनको उचित समर्थन जैसा मिलना चाहिए थे वैसा नहीं मिला। एक और लोहिया जी ने यहां कमाल किया, यहां की महारानी के खिलाफ लोकसभा में एक महतरानी को खड़ा किया, सुखो रानी को, उसको नाम दिया उन्होंने, सुखो रानी है ये हमारी। एक महतरानी को रानी के खिलाफ लड़ा करके सामाजिक परिवर्तन की अलख लोहिया ने यहां जलाई, ये भी एक ग्वालियर में हुआ। इन सब बातों के साथ मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत सबका करता हूं। बाकी गांधी हत्या का एक पॉइंट या कहना जरूरी समझता हूं मैं, और ये भी कि जो किले पर गुरुद्वारा है दाताबंदी छोड़, इसकी भी महिमा है राष्ट्रपति जी। जब मुगल सम्राट ने गुरु महाराज को बंद किया, सिखों के गुरु को जेल में, और गलती मानने पर छोड़ने का आदेश दिया, तो गुरु महाराज ने कहा मैं अकेला नहीं जा सकता हूं, जितने भी कैदी मेरे वस्त्र को पकड़ लेंगे वो मेरे साथ छूटेंगे। सम्राट ने कहा जैसी आपकी मर्जी है।
रातों रात एक अंगरखा तैयार हुआ जिसमें कई छोर थे, और उस छोर को पकड़ के जितने कैदी थे सब निकल गए। वो महिमापूर्ण दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा भी ग्वालियर में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहां विराजे आप सबका और जितने ये जिज्ञास शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, नई पीढ़ी है, उन सबका धन्यवाद, आपका आपका और सबका स्वागत करता हूं। शुक्रिया। थैंक यू सर फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स। Ladies and gentlemen, words are not enough to express the inexplicable pleasure and pride that we all seek by the presence of the President. To make this occasion happier, I would be glad to request our Honorable Chancellor, ITM University, Sri Ramashankar Singh, to welcome the President by presenting a bouquet as a token of love and respect. Ladies and gentlemen, we also have with us Honorable Governor of Madhya Pradesh, Srimati Anandi Ben Patel. May I request Pro-Chancellor ITM University, Srimati Ruchi Singh Chauhan, to kindly welcome the Governor. Ladies and gentlemen, we also have with us Chief Minister of Madhya Pradesh, Sri Shivraj Singh Chauhan. May I once again request Pro-Chancellor ITM University, Srimati Ruchi Singh Chauhan, to kindly welcome our Chief Minister. Ladies and gentlemen, we have with us Minister of Rural Development, Panchayati Raj and Mines in Government of India, Sri Naren Singh Tomar. May I request Managing Director, ITM University, Dr. Daulat Singh Chauhan, to kindly welcome Sri Naren Singh Tomar. We have with us Honorable Governor of Haryana, Shri Kaptan Singh Solanki. May I request Managing Director, ITM Baroda, Shri Ravindra Pratap Singh Rathore, to kindly welcome the Governor. Ladies and gentlemen, we have with us Chief Minister of Bihar, Sri Nitish Kumar. May I request Srimati Kanupriya Singh Rathore to kindly welcome our guest, Sri Nitish Kumar. We have with us Minister of Higher Education, Sri Jaibhan Singh Pawaiya. May I request Registrar ITM University, Dr. Omveer Singh, to kindly welcome Sri Jaibhan Singh Pawaiya. We have with us Member of Parliament, Sri D.P. Tripathi. May I request Honorable Vice Chancellor, ITM University, Professor Kamal Kant Dwivedi, to kindly welcome Sri D.P. Tripathi.
Thank you, sir. May I now request Honorable Governor of Madhya Pradesh, Srimati Anandi Ben Patel, to... मैं अनुरोध करता हूँ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे अपना आशीर्वाद उद्बोधन के रूप में हमें ज़रूर दें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनको अनेक विशेषणों से विभूषित किया माननीय रमाशंकर सिंह जी ने, भारत के राष्ट्रपति परम आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, मैं ग्वालियर की इस पवित्र धरती पर आप सबकी ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी अपनी राज्यपाल बहन श्रद्धेय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उनका भी स्वागत है। ग्वालियर की धरती के लाल और अब हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रकाश फैला रहे हमारे अपने हरियाणा के राज्यपाल परम श्रद्धेय कप्तान सिंह सोलंकी जी, हमारे परम मित्र और आज हमारे अतिथि जिनको पाकर हम सब प्रसन्न हैं, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान नीतीश कुमार जी, लोकप्रिय सांसद ग्वालियर के और भारत सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास और माइनिंग मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, भाई जयभान सिंह पबैया जी त्रिपाठी जी, आदरणीय रमाशंकर सिंह जी, सभी वरिष्ठगण और मेरे प्यारे भांजे और लाडली भांजियों, आज का दिन सचमुच में पुरखों को स्मरण करने का दिन है। एक तरफ लोहिया जी को हम याद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी पुण्यतिथि है। गांधी, लोहिया, दीनदयाल, अगर इनके विचारों को हम देखें तो मूलभूत एकता दिखाई देती है तीनों के विचार में। ये तीनों महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को एक नई दिशा दी है। मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनके बारे में चर्चा तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय करेंगे, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उन्हीं के बताए विचारों के आधार पर सरकार चलाने का प्रयास भारत में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी हम विनम्र प्रयास कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, इन तीनों के विचार में अगर देखें तो हर गरीब को होना चाहिए। जो सबसे नीचे और सबसे पीछे है वो हमारे लिए सबसे पहले है, और इसलिए मध्य प्रदेश में रोटी तो राशन तो यह सस्ता मिलता ही है, उसका उल्लेख नहीं करूंगा। हमने कानून बनाया मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के टुकड़े के नहीं रहने देंगे, रहने की जमीन का मालिक हर एक गरीब होगा। ये विधेयक विधानसभा में पारित करके अब अभियान प्रारंभ किया है कि कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी की कृपा से नरेंद्र सिंह जी यहां बैठे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं हर गरीब का मकान बने, लेकिन मैं तो बेटा बेटियों का मामा हूं, इसलिए भांजे भांजियों की बात जरूर करूंगा। मैं वहां जहां भी जाता हूं बेटे भी मिलते हैं, बेटों से ज्यादा बेटियां मिलती थी और मुझे चिट्ठी देती थी और एक ही बात कहती थी कि मामा पढ़ने में तो तेज है, बुद्धि, प्रतिभा, मेधा सब है, लेकिन मम्मी पापा गरीब हैं, मध्यम वर्गीय है, लोअर मिडिल क्लास के हैं, उच्च शिक्षा की पढ़ाई की व्यवस्था फीस की नहीं है, फीस भरवा दो। अब मैं हर जगह सोचता कि इतने बच्चों की फीस कहां से भरवाऊं। सोचते सोचते एक योजना हमने बनाई, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जिसमें हमने तय किया कि 12th बोर्ड में 75% या उससे ज्यादा नंबर ले आओ, या CBSE में 85 या उससे ज्यादा नंबर ले आओ, और उसके बाद तुम्हारा एडमिशन कहीं भी हो, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में, IIM में, NIT में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, कहीं भी हो, प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो,
तो फीस चाहे जितनी भी हो मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। मैं ये मानता हूं कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार बुनियादी अधिकार है, और अगर गरीब है तो उसके कारण उस अधिकार से वंचित बच्चे नहीं रहना चाहिए। तो वो विनम्र प्रयास हमने किया है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, और जो दिशा महात्मा गांधी दिखाते थे, उस पर चलने का विनम्र प्रयास हम कर रहे हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज इंद्रदेव भी ज्यादा ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं, महामहिम के स्वागत के लिए वो उतावले हैं, और इसलिए उनका और सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए और अपने बेटा बेटी भांजे भांजियों को शुभकामना और आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। थैंक यू सर फॉर दीज काइंड वर्ड्स। मे आई नाउ रिक्वेस्ट ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश श्रीमती आनंदी बेन पटेल टू काइंडली अनवील द बुक एंड कैलेंडर ऑन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया published by ITM University specially to this for this occasion and present its first copy to the president. Thank you, dignitaries. May I now request Chief Minister of Bihar, Shri Nitish Kumar, to kindly present 9 volumes of Lohia Rachnavali, edited by Shri Mastaram Kapoor, to the President. Thank you, sir. Today's lecture is indeed special. Dr. Lohia's inexplicable, indispensable service to humankind cannot be confined in words. The remaining program this afternoon requires someone who is resolute as steel and has the crave of a seeker. Someone who is able to connect the dots and keep us all involved. With immense pleasure, ladies and gentlemen, it's my responsibility to request Honorable Chancellor Shri Rama Shankar Singh to kindly take over the proceedings from here on. Over to you, Chancellor, sir. हमारी इच्छा थी कि मध्य प्रदेश की नई राज्यपाल, जिनकी सक्रियता से हम सब प्रसन्न हैं, वो ज़रूर बोलती, लेकिन समय के कारण उन्होंने स्वयं इस कहा है कि श्री नीतीश कुमार जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, उनसे मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि लोहिया जी की कर्म भूमि का विशेष केंद्र और फोकस बिहार रहा। यूपी और बिहार दो राज्य ऐसे रहे जिस पर लोहिया जी ने बहुत मेहनत की, और एक संपूर्ण परिदृश्य आज़ादी के बाद का बदल दिया। संविधान में जो वर्णित हैं उनके अलावा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों में से नेता उठा उठा करके और पूरी राजनीति पर वो छा गए,
और ऐसा हुआ कि पूरे भारत में अगर आप गिनोगे ध्यान से तो जो गरीब पिछड़े वंचित दलित शोषित इन सबको अगर इनका एक आंदोलन खड़ा किया तो लोहिया ने किया था। जाहिर है कि जब हम लोग बचपन में या लड़कपन में जेपी जयप्रकाश जी ने हमसे कहा कि आइए ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़िए आंदोलन में काम करिए, इस समय देश को बदलना है, तो हम लोगों को पहले कहा कि पहले गुजरात जाओ जहां नव निर्माण आंदोलन चल रहा था, राज्यपाल जी वहां अध्ययन किया आंदोलन का, उसके बाद कहा कि अब तुम बिहार आ जाओ, तो हम कुछ लोग बिहार गए और बिहार में जेल हो गई, बक्सर की जेल में हम लोग बंद रहे वहां काफी दिन तक, शायद 1.5-2 महीना बंद रहे। तो बिहार का कनेक्शन संघर्ष से, विचार से, लोहिया विचार से और कर्म से और आचरण से सर्वाधिक रहा है। मेरा अनुरोध है नीतीश जी से कि आपके बाद तो सीधे राष्ट्रपति जी ही बोलेंगे, लेकिन अध्यक्ष के नाते आप अध्यक्षीय प्रबोधन जरूर दें। आदरणीय राष्ट्रपति श्रद्धेय श्री रामनाथ कोविंद जी, मध्य प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, हरियाणा के महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया जी, आईटीएम यूनिवर्सिटी के संस्थापक और कुलाधिपति श्री रमाशंकर सिंह जी, डीपी त्रिपाठी जी, किसी त्यागी जी, राजकुमार जैन जी, विजय जी, यहां उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, सभी शिक्षक वृंद, छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और मैं रमाशंकर जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बेहतरीन विश्वविद्यालय की स्थापना की और इस विश्वविद्यालय में लोहिया जी की स्मृति में व्याख्यान माला की शुरुआत की। और जहां तक मुझे जानकारी है कि चौथा व्याख्यान है और इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया गया और उन्होंने मुझे भी इस अवसर पर उपस्थित रहने के लिए कहा। 1.5 साल पहले मैं पहली बार रमाशंकर जी के विश्वविद्यालय में आया था और विश्वविद्यालय के काम को देखने और कुछ समझने का अवसर मिला। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, रमाशंकर जी से हम लोगों का रिश्ता उन्होंने खुद ही बताया, जेपी मूवमेंट का, हम सब यहां अनेक लोग बैठे हुए हैं, सब जेपी मूवमेंट के ही प्रोडक्ट हैं। और उस समय का रिश्ता, राजनीति में रहे, चुनाव लड़े, विधायक बने, मध्य प्रदेश में मंत्री बने और वो सब कुछ छोड़कर जब उन्होंने कला संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो जो विश्वविद्यालय का स्वरूप हमने देखा सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ। और सही मायने में आप जब लोहिया जी की स्मृति में व्याख्यान माला का आयोजन कर रहे हैं तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और यूनिवर्सिटी आपने ऐसी बनाई कि देश के अंदर तो इसको एक
ऊंचाई मिली ही है। विदेशी संस्थाओं के द्वारा भी इस विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठा दी गई है और सिर्फ अपने देश के ही नहीं विदेश के भी छात्र यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है और बड़ी खुशी की बात है और ग्वालियर की इस ऐतिहासिक धरती पर आपने जिस तरह से ग्वालियर के बारे में सब चीज़ें बताई संक्षेप में, कुछ चीज़ों से तो हम लोग अवगत हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको इस अंदाज से आपने व्यक्त किया कि थोड़ी देर के लिए तो हमको लगा कि लोहिया जी की स्मृति में नहीं बल्कि ग्वालियर के ऊपर ही इस व्याख्यानमाला का आयोजन हो। तो और आप जिस प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं विभिन्न कार्यक्रमों का, इन सब चीजों की जानकारी मिलती रही है तो सचमुच आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं और इसी तरह से आप अपने काम को आगे बढ़ाते रहिए शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। और मैं इनको धन्यवाद देता हूं विशेष तौर पर बिहार में चंपारण सत्याग्रह के, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरा होने के बाद शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है और उसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को बिहार आए थे और 10 अप्रैल 2017 हम लोगों ने गांधी जी के विचारों पर एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें गांधीवादी विचार से रुचि रखने वाले देश के अनेक लोग उपस्थित हुए थे और उस कार्यक्रम के आयोजन में रमाशंकर जी ने और इनकी आईटीएम यूनिवर्सिटी में ने हम सब लोगों की और बिहार सरकार की बड़ी सहायता की थी। इसके लिए मैं इन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। और लोहिया जी तो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, बहुत कम आयु में ही चल बसे और जो कुछ भी लोहिया जी ने किया उनके बारे में कितनी बात की जाए, जिस तरह से उन्होंने आज़ादी के बाद विपक्ष को गोलबंद किया, आज़ादी की लड़ाई में तो उनकी भूमिका रही ही। 42 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो जो उनकी भूमिका थी, जेपी की भूमिका थी, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और उसके बाद लोहिया जी ऐसे व्यक्ति थे जो गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने भूमिका अपनी प्रारंभ की थी और उसकी प्रशंसा गांधी जी ने भी की थी। गांधी जी उनको बहुत मानते थे, उस समय तो ये युवा थे। और जिस तरह से उन्होंने देश में जब कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी 1934 में कांग्रेस पार्टी के अंदर और उसके बाद समाजवादी लोग अलग हुए और जिस प्रकार से लोहिया जी ने विपक्ष को गोलबंद करने की कोशिश की, ये लोहिया जी का ही प्रभाव था कि उन्होंने गैर कांग्रेसवाद की बात की। और 67 में उसका क्या नतीजा हुआ, पूरे देश में केरल को छोड़कर पूरे देश में एक पार्टी का शासन था, केंद्र में शासन था। लेकिन 67 में और उसके पहले जब वो सांसद बनकर के लोकसभा में गए तो लोहिया जी के संसद में लोकसभा में जाने के पहले कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आया था। जब लोहिया जी गए लोकसभा में तब पहली बार केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया था। और जिस तरह से उन्होंने विपक्ष को गोलबंद किया, लोग एक दूसरे के खिलाफ, एक तरफ जनसंघ था तो दूसरी तरफ कम्युनिस्ट थे, समाजवादी थे, लोगों का विचार नहीं मिलता था बहुत सारे मामलों में, लेकिन उन्होंने उसके लिए जो प्रस्ताव रखा, करणीय कामों को नहीं करने और अकरणीय कामों को करने के लिए विरोध में सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव, और इस पर सब सहमत हुए और पहली बार अविश्वास का प्रस्ताव आया। और यह सिलसिला जब शुरू हुआ तो 67 में 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और जब उनके प्रयास से सरकारें बनी, लेकिन उन सरकारों को उन्होंने कहा था कि देखो बोलने से काम नहीं चलता, करना चाहिए, काम ऐसा करो 6 महीने के अंदर कि तुम्हारा काम बोले, तुमको बोलने की जरूरत नहीं थी। ये लोहिया जी ने लोगों को सिखाया जब लोग सरकार में आए
उसके बाद तो रह नहीं पाए, छोड़कर चले गए। लेकिन लोहिया जी के जो विचार सप्त क्रांति, समाज में किसी तरह का विभेद न हो, गोरे काले का फर्क, दुनिया में ऊंच नीच का, बड़े छोटे का, अनेक प्रकार के जो फर्क हैं और जो एक संघर्ष है, इन सब चीजों को मिलाकर के उन्होंने सप्त क्रांति की बात की। और जब 74 में जेपी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ तो जेपी ने आह्वान किया था संपूर्ण क्रांति का। और जब लोगों ने पूछा जेपी से कि आपके संपूर्ण क्रांति का क्या मतलब है, तो मैं उस सभा में मौजूद था, पटना के गांधी मैदान में जेपी का भाषण सुन रहे थे हम लोग। और उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं संपूर्ण क्रांति क्या है, 5 जून 1974 को उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो उन्होंने कहा संपूर्ण क्रांति वही है जो लोहिया की सप्त क्रांति है। और इस प्रकार से लोहिया जी की जो भूमिका रही है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और हर क्षेत्र में कितने उस समय के बुद्धिजीवी थे, लेखक थे, सब लोहिया जी से प्रेरित होते थे। और मैं तो यही कहूंगा, यहां पर बहुत लोग बैठे हुए, हम सब लोगों के पुराने साथी, कल भी शाम में बहुत देर तक बातचीत हो रही थी, राजकुमार जैन जी एक एक कहानी सुनाते रहते, रमाशंकर जी आप सुनाते रहते, सब लोग यहां बैठे हुए, डीपी त्रिपाठी जी बैठे हुए। हालांकि डीपी त्रिपाठी वैचारिक रूप से तो मार्क्सवादी थे शुरू में, लेकिन उन्होंने फिर भी लोहिया जी के प्रति जो प्रेम दिखाया, और अब तो कहां है हमको तो नहीं मालूम है, आजकल तो एनसीपी में है ये, इसलिए मुझको नहीं मालूम है कि अब कहां है। लेकिन जो जिस प्रकार से लोहिया जी के प्रति इन्होंने एक समर्पण का भाव दिखाया और लोगों को प्रेरित किया, और आज रमाशंकर जी इस बात की चर्चा कर रहे थे, कल भी हम लोग बात कर रहे थे, आपने बहुत अच्छा काम किया, फिर से लोहिया जी के लेखों को और भाषणों को फिर से छपवाया है। लेकिन मैं एक ही आग्रह करूंगा, अब आप और डीपी त्रिपाठी जी वो काम कर चुके हैं पहले, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि लोहिया जी की स्मृति में आप जो शुरू किया है अपने व्याख्यान माला, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अब भी जितने लोग बचे हुए और लोहिया जी के बारे में जो लोगों के विचार हैं और उनका जो काम, उनका जो कृत्य रहा, कृपा करके उसको संजोकर उस पर एक फिल्म बनाइए, ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिलता रहे। और आपने बहुत काम किया, आपके विश्वविद्यालय में हमने देखा है, मेरी भी रुचि पर्यावरण में बहुत ज़्यादा है, कला में मेरी रुचि है, संस्कृति में मेरी रुचि है, इतिहास में मेरी रुचि है, और वह ऐतिहासिक स्थल है, उस स्थल से हम आते हैं, यह भी एक ऐतिहासिक स्थल है, मेरी रुचि रही है। लेकिन मैंने जो आप देखा है, जिस प्रकार से आपने पर्यावरण पर ध्यान दिया है, हरियाली पर ध्यान दिया है, मैं रमाशंकर जी आपसे अनुरोध करूंगा, आज तो आदरणीय राष्ट्रपति जी स्वयं आए हैं इस व्याख्यान वाला, और मैंने भी आदरणीय राष्ट्रपति जी से जब बिहार आए हुए थे राष्ट्रपति बनने के बाद, तो बिहार के ही महामहिम राज्यपाल थे, और वहां से ही बिहार के लिए तो इतने बड़े सम्मान की क्या बात है कि हमारे राज्यपाल देश के राष्ट्रपति बने। और जब राष्ट्रपति के रूप में पहले कार्यक्रम में बिहार पधारे वहां के नए कृषि रोड मैप को लॉन्च करने के लिए, तो उस अवसर पर मैंने भी निवेदन किया, आपका भी अनुरोध था, कि रमाशंकर जी के ITM विश्वविद्यालय में लोहिया जी की स्मृति में व्याख्यान देने के लिए आप जरूर समय निकालिए। राष्ट्रपति जी ने इसको कबूल किया, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने, मैं उन्हें हृदय से इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। और जिस तरह से आप इन कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं रमाशंकर जी, मैं दोहरा कर कहूंगा, एक लोहिया जी के जीवन और उनके काम दोनों को संजोते हुए, और जो लोग भी लोहिया जी के साथ काम कर चुके हैं या लोहिया जी के विचारों से प्रभावित होकर संघर्ष करते रहे हैं, उन सबों के विचारों को समेटते हुए, उनके वक्तव्यों को लेते हुए एक अच्छी फिल्म बनाइए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जिस तरह से यहाँ यूनिवर्सिटी बनाया है और गुजरात में भी आप अब यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा ही काम कीजिए, यह भी एक काम कर दीजिए, और सही मायने में तब लोहिया जी के स्मृति में जो आप ये स्मृति का व्याख्यान शुरू करा रहे हैं, कराते हैं, इसमें और 4 चांद लग जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए ITM यूनिवर्सिटी और रमाशंकर जी आपको मैं धन्यवाद देता हूँ,
और आदरणीय राष्ट्रपति जी का मैं अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की आज मर्यादा विशेष है, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती, सिवाय चूंकि पुर्तगाल का विषय छेड़ दिया तो मैं आधा मिनट में कहता हूं। गोवा का, पुर्तगाल यानी गोवा, लोहिया जी को जेल डाल के लाहौर के किले में यातना दी जा रही थी, और यातना बहुत जबरदस्त यातनाएं थी। 15-15 दिन तक जगाते थे, ठंडा पानी सिर पे डालते थे, उन्हें शौच के लिए जाने से मना करते थे। लोहिया ने उस पर, लोहिया चूंकि संकोची भी थे और बुद्धिजीवी का यह कर्तव्य है कि अपनी व्यक्तिगत प्रशंसा स्वयं न करें, लोहिया ने उस पर एक इंटरव्यू दिया। इतना अंडरस्टेटमेंट है सर, उन्होंने कहा कि जो यातना हुई इतने महीने तक वो एक योगानुभूति थी। मुझे लगा कि मैं योगानुभूत, मेरे को तो मैं कुछ अंत, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था, कुछ भी करो। तरह तरह से यातना दी। गांधी जी ने कहा, लिखा वायसराय को, कि लोहिया इज सोल ऑफ इंडिया, आई कांट कीप क्वाइट इफ ही इज इन जेल। और बड़ी तमाम तरह से बात करके कई वर्षों के बाद जब छोड़ा गया तो उनका शरीर बेकार हो गया था, तो अपने एक दोस्त हैं गोवा में, उनके मैंजस, मिस्टर मैंजस, उनके यहां आराम करने के लिए कि चलो 15-20 दिन आराम करते हैं, लोहिया जी गए। लेकिन वहां जाकर के तमाम नागरिकों ने कहा कि हम तो पुर्तगाली साम्राज्य के उपनिवेश बने हुए हैं और यहां हमारी कोई आजादी नहीं है। तो आराम छोड़ करके पुर्तगाल की लिबरेशन का पहला कदम उठाते हुए लोहिया वहां भी जेल में चले गए। 3 बार जेल गए और 3 बार कैद किए गए। और उसके बाद वहां पर गोवा में आंदोलन छिड़ा और आजादी 1947 को जो हमको मिली उसके बाद गोवा की आजादी हुई, लेकिन पहला आंदोलन। ऐसे ही नेपाल का, सर आप जानते हैं, नेपाल के आंदोलन के लिए स्वयं चुनी हुई नई सरकार के गृह मंत्री ने दिल्ली में लोहिया और 50-60 लोगों को घेर के पुलिस से ऐसी आंसू गैस छुड़वाई, सिर्फ 50 लोगों को। ये उसके बाद नेपाल का आंदोलन हुआ और नेपाल की आजादी मिली। इस तरह से बलिदानों से आजादी मिलती है, उस तरह से संविधान बनता है, स्वतंत्रता मिलती है, उसके प्रतीक राष्ट्रपति हैं। ये भारत की अस्मिता के भी प्रतीक हैं। और मैं उनसे अनुरोध करता हूं, राष्ट्रपति महोदय, कि आप अपना आशीर्वाद हम बच्चों को दें, इनको दें सामने, जिससे कि जो अलख जगी है वो बुझने ना पाए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मृति व्याख्यान के इस समारोह में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज एवं खान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह जी, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया जी, संसद सदस्य
श्री डीपी त्रिपाठी जी, आईटीएम यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति श्री रमाशंकर सिंह जी, इस सभागार में उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं रमाशंकर जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि जो व्याख्यान माला प्रारंभ की है उसी कड़ी में उन्होंने लोहिया जी का जो साहित्य है, जीवन दर्शन है, उसको भी प्रकाशित किया है 9 खंडों में। अगर ये साहित्य का प्रकाशन ना होता तो मुझे लगता है कि शायद व्याख्यान मालाओं के द्वारा जो चर्चाएं होती हैं, व्याख्यान होते हैं, उनका संकलन तो एक संभव हो जाता है, लेकिन संकलन, वक्ताओं का संकलन, वक्ताओं की जो बात कही गई है उसका संकलन होता है, जिसके बारे में व्याख्यान माला होती है उसके विचारों का संकलन नहीं हो पाता। इसलिए मैं पुनः रमाशंकर जी आपको इस बात के लिए बधाई देता हूँ। इस व्याख्यान माला में संबोधन करने के लिए, जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कहा, उनका आग्रह था, पश्चात संसद सदस्य श्री डीपी त्रिपाठी जी मुझे मिले, उन्होंने भी अनुरोध किया, रमाशंकर जी का भी अनुरोध था, और जब लोहिया जी की बात आई तो मुझे लगा कि उस महापुरुष के प्रति यदि कुछ हम सम्मान व्यक्त कर सकते हैं तो शायद मेरे लिए यही अवसर है कि जिस अवसर का अवसर को मुझे अवेल करना चाहिए, और इसलिए मैं यहाँ पर आया। डॉक्टर लोहिया अपना जीवन लोक कल्याण के लिए सदैव उन्होंने समर्पित किया। देश की वंचित और पीड़ित जनता के हितों के लिए वो निरंतर संघर्ष करते रहे। देश के कोने कोने में जाकर समाज के अंतिम व्यक्ति को उसका सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए डॉक्टर लोहिया के अनवरत संघर्ष के साथ ग्वालियर का नाम भी जुड़ा हुआ है। यद्यपि इसका उल्लेख किया गया, लेकिन मैं फिर भी पुनः उल्लेख करना चाहूँगा कि 1962 का जो चुनाव हुआ था ग्वालियर क्षेत्र के रियासत की महारानी के खिलाफ, उन्होंने सुखो रानी को उम्मीदवार बनाया था जो एक सफाई कर्मी थी। बात यहीं तक सीमित नहीं होती है, लेकिन उन्होंने उम्मीदवार बनाने के पीछे जो अपना लॉजिक दिया था महत्व उसका है। उन्होंने 26 जनवरी 1962 के दिन भाषण देते हुए डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि यदि ग्वालियर के लोग सुखो रानी को विजयी बनाते हैं तो देश के इतिहास में यह एक दैदीप्यमान घटना होगी और इससे एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक क्रांति का श्री गणेश होगा। ये बात उन्होंने इसलिए कही थी क्योंकि इसके पूर्व में वो एक चुनाव स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ फूलपुर से लड़ चुके थे। तो उन्होंने ये कहा कि ये चुनाव जो ग्वालियर का चुनाव है वो फूलपुर के चुनाव से भी अधिक महत्व रखता है। क्यों महत्व रखता है? क्योंकि उन्होंने कहा कि वहाँ तो मैंने चुनाव लड़ा था, नेहरू जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन सुखो रानी को यदि आज हम चुनाव लड़ाते हैं तो इसको भविष्य की राजनीति से जोड़ करके देखना चाहिए, जिसमें के महिलाओं और वंचितों के सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल के रूप में होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो व्याख्यान माला डॉक्टर लोहिया स्मृति व्याख्यान माला का जो आयोजन हो रहा है, इसलिए ग्वालियर नगर की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है।
ऐसा लगता है कि संसद से सड़क तक समाज के अंतिम व्यक्ति के हक में जन चेतना की मसाल जलाने वाले डॉक्टर लोहिया सामाजिक विषमताओं और शोषण की राजनीति को चुनौती देने के लिए ही संभवतः इस देश में पैदा हुए थे। सन 1910 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में एक गांधीवादी परिवार में जन्मे डॉक्टर लोहिया ने अपनी मात्र 18 वर्ष की उम्र में, मात्र 18, अभी तो यहाँ हमारे बहुत बेटे और बेटियाँ बैठी हुई हैं, 18 वर्ष की भी हैं, उससे ऊपर की भी हैं, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने उस छोटी सी उम्र में साइमन कन्वेंशन के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया था। एक मेधावी विद्यार्थी के रूप में प्रतिष्ठा पाने के बाद 19 वर्ष की आयु में वे उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी चले गए। वहाँ उन्होंने भारतीय जन आंदोलन से जुड़े नमक का अर्थशास्त्र, ये था उनका विषय, नमक का अर्थशास्त्र विषय पर शोध कार्य किया। केवल 2-3 महीनों में ही उन्होंने जर्मन भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लिया और अपना शोध प्रबंध जर्मन भाषा में ही लिखा। वे 24 वर्ष की आयु में भारत लौटे। उन्होंने अपने जर्मनी प्रवास के दौरान ही ये तय कर लिया था कि स्वदेश लौटकर उन्हें आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभानी है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, वो जवाहरलाल नेहरू जी से और उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। 26 वर्ष की आयु में डॉक्टर लोहिया कांग्रेस की विदेश नीति विभाग में एक पदाधिकारी बने। वे विदेशों में रहने वाले भारतीयों की दशा के प्रति बहुत संवेदनशील थे। उन्होंने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के प्रयासों की शुरुआत की। 32 वर्ष की आयु में वो भारत छोड़ो आंदोलन के एक नायक के रूप में उभरे। अगस्त 1942 में अग्रिम पंक्ति के जब सभी वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी गिरफ्तार हो गए थे, उस समय उन्होंने लगभग 22 महीनों तक भूमिगत रहकर ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आंदोलन का संचालन किया था। और संचालन की उनकी एक विशेष विधा थी, तरीका था। वो अपना बार बार स्थान बदलते और एक गुप्त रेडियो स्टेशन चलाकर क्रांतिकारियों को संदेश देते थे और आंदोलन से जुड़ी जितनी भी सामग्रियां प्रकाशित होती थी उन सब का वितरण करवाने की जिम्मेदारी स्वयं लेते थे। अंततः मई 1944 में वो भी गिरफ्तार हुए और लाहौर जेल में उन्हें लगभग 2 वर्ष तक एकांत कारावास में रखा गया। उन्हें विभिन्न प्रकार की अमानवीय यंत्रणाएं दी गई। कहा जाता है कि जिस क्रूरता पर गर्व करने वाले जिस जेलर ने शहीद भगत सिंह को यातनाएं दी थी, उसी को डॉक्टर लोहिया के लिए तैनात किया गया। लेकिन डॉक्टर लोहिया टूटे नहीं। ब्रिटिश हुकूमत आंदोलनकारियों के बारे में उनसे कुछ भी नहीं उगलवा सकी। 1946 में ब्रिटिश जेल से छूटने के बाद उसी वर्ष के गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों का संबोधित करते हुए पुर्तगाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। आज़ाद भारत में भी डॉक्टर लोहिया किसानों के हक में, महंगाई के खिलाफ, आम नागरिकों के खिलाफ, ये आज़ादी मिलने के पश्चात की बात है, आम नागरिकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए कई बार गिरफ्तार हुए। रंग भेद के खिलाफ सन 1964 में अमेरिका के मिसिसिपी राज्य में अश्वेतों के लिए प्रतिबंधित एक होटल में प्रवेश करने पर वो गिरफ्तार कर लिए गए। सन 1967 में केवल 57 वर्ष की आयु में ही उनका असामयिक देहावसान हुआ। डॉक्टर लोहिया जहाँ कहीं भी अन्याय देखते थे, उनके अंदर का निर्भीक और न्यायप्रिय विरोधीपन हमेशा जाग उठता था। कुल 57 वर्ष के जीवन में वो लगभग 18 बार गिरफ्तार हुए।
कारावास और निरंतर प्रवास से भरा उनका जीवन, अनैतिकता की राजनीति के विरुद्ध विभिन्न विचारधाराओं वाले दलों को खुले दिल से एक साथ लाने की उनकी पहल के कारण नीलकंठ शिवजी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण के चरित्रों के प्रति उनके आकर्षण का जीता जागता उदाहरण बन गया। उनका एक प्रसिद्ध कथन है जिसको मैं कोट कर रहा हूं। उस कथन के मुताबिक वो भारत माता से मांगते हैं, क्या कहते हैं कि हे भारत माता, मुझे शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का हृदय दो तथा राम का कर्म और वचन दो। हमें असीम मस्तिष्क और उन्मुक्त हृदय के साथ साथ हमें असीम मस्तिष्क और उन्मुक्त हृदय के साथ साथ जीवन के मर्यादा से रचो, ये उन्होंने भारत माता से मांगा था। इस तरह हम कह सकते हैं कि डॉक्टर लोहिया बुद्धि, हृदय और कर्तव्य प्रणता, इसमें तीन चीजें दिखती हैं। बुद्धि, हृदय और कर्तव्य प्रणता के समन्वय के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना चाहते थे और देशवासियों में भी यही देखना चाहते थे। सामान्यतः लोग डॉक्टर लोहिया को नास्तिक और अनीश्वरवादी समझते थे क्योंकि वे परंपरागत रूप से आस्तिक और धार्मिक नहीं थे, लेकिन धार्मिक चरित्रों का उल्लेख वे आदर्शों के प्रतीक के रूप में सदैव किया करते थे। 1963 में वो पहली बार लोकसभा में चुनकर आए। उनके आने से सदन में एक नई ऊर्जा प्रवाहित हुई जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उल्लेख किया कि एक ही ध्रुव पर स्थिर राजनीतिक विमर्श को उन्होंने चुनौती दी थी। उनकी वजह से लोगों को कई संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी पहली बार हुई। संसद में सरकार के विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव उन्हीं की प्रेरणा से आचार्य कृपलानी ने पेश किया था। संसद में ज्ञान और तर्क पर आधारित सार्थक विरोध की शुरुआत उन्होंने की थी। इस तरह भारतीय लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही और उत्तरदायित्व के पक्ष को उभारने में डॉक्टर लोहिया ने अपनी क्रांतिकारी भूमिका अदा की। उन्होंने संसद में बहस की परंपरा को एक नई ऊंचाई और आयाम प्रदान किया। वे मानते थे कि सत्तारूढ़ पार्टी और उसके नेताओं ने जानबूझकर अर्थव्यवस्था, भाषा और रहन सहन के स्तर पर अपने आप को भारत की साधारण जनता से बहुत दूर कर लिया है। आजादी की लड़ाई में और उसके बाद भी महात्मा गांधी का आखिरी कदम तक अनुसरण करने वाले डॉक्टर लोहिया ने आजाद भारत की सरकार में गांधी के बताए रास्ते से भटकने वाले उनके शिष्यों की प्रखर आलोचना करते। डॉक्टर लोहिया को आधुनिक भारत के निर्माताओं में आदरणीय स्थान प्राप्त है। समाज में अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए सदैव सक्रिय रहने वाले दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ डॉक्टर लोहिया के विचार विमर्श और सहयोग में प्रगाढ़ता थी। कहा जाता है कि सन 1963 के उपचुनाव में जब दीनदयाल जी जौनपुर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे थे तो उस उपचुनाव में डॉक्टर लोहिया ने दीनदयाल जी के समर्थन में उस जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में गए थे और उनके लिए वोट मांगा था और चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। अपने सरोकारों में समानता व्यक्त करते हुए डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल जी ने कई बार मंच साझा किया। वे दोनों ही दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के अंतिम व्यक्ति के हित में सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। दीनदयाल उपाध्याय के समरस समाज, ये उनकी कल्पना थी दीनदयाल जी की, लेकिन लोहिया जी की कल्पना थी समता समाज। इन दोनों में समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए वही संवेदना है जो गांधी जी के सर्वोदय के विचारों में व्यक्त होती।
जाति प्रथा के समूल नष्ट के लिए डॉक्टर लोहिया जाति तोड़ो सम्मेलन का आयोजन किया करते थे। उन्होंने जाति प्रथा पर विस्तार से अनेक लेख लिखे, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय एक लेख है, जाति प्रथा का नाश क्यों और कैसे हो। ये उनका उनकी अपनी लिखी हुई पुस्तक है। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जाति प्रथा के गंदे कूड़े पर भ्रष्टाचार के कीड़े पैदा होते हैं और पलते और बढ़ते हैं। उनका मानना था कि जाति प्रथा के रहते भारत का समग्र विकास असंभव है। उन्होंने सरकारी नौकरियों के लिए अंतरजातीय विवाह को अनिवार्य बनाने की सलाह दी थी। वे मानते थे कि ऐसा करने से 50 से 100 वर्षों में जाति प्रथा का समूल नाश हो सकेगा और तभी भारत का असली स्वरूप सामने आएगा। डॉक्टर लोहिया की सोच के अनुसार समाज के कमजोर वर्ग की परिभाषा में दलित, आदिवासी, महिलाएं और पिछड़ी जातियों के लोग शामिल थे। उन सभी के लिए डॉक्टर लोहिया विशेष अवसर प्रदान करने का सुझाव देते थे। उनका कहना था कि समान अवसर तथा विशेष अवसर के बीच यदि चुनना पड़े तो विशेष अवसर को ही चुनना चाहिए। समान अवसर की बात तब होनी चाहिए जब शिक्षा, नौकरी और जीविका आदि क्षेत्रों में सभी के लिए समान व्यवस्था हो। पुरुषों और महिलाओं को समान अवसर दिए जाने के वे प्रबल पक्षधर थे। एक साक्षात्कार में ये पूछे जाने पर कि क्या एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी होनी चाहिए, तो डॉक्टर लोहिया ने उसका जवाब दिया था कि एक पुरुष की एक ही पत्नी होनी चाहिए। यह प्रश्न और ये बहुत कठिन उत्तर था, प्रश्न भी कठिन था, उत्तर भी कठिन था, और उसका उस जो उन्होंने उत्तर दिया निर्भीकता के साथ में, उस उत्तर को उस तथा कथित समाज, उस समय के समाज में उस उनको भुगतना भी पड़ा। और कहा जाता है कि उस चुनाव में उनकी पार्टी को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। परंतु डॉक्टर लोहिया के लिए महिलाओं की बराबरी या उनके हक का मुद्दा चुनावी परिणामों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। इसीलिए वे अपने आदर्श राज्य की कल्पना का वर्णन, जब वो कल्पना करते थे कि हमारी समाज की कल्पना क्या होगी, तो कभी कभी कहते थे कि मेरी दृष्टि में मेरी कल्पना राम राज्य नहीं है बल्कि सीता राम राज्य है। वो बहुत बड़ी बात है, सीता को भी जोड़ा है उन्होंने। डॉक्टर लोहिया सदैव ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जो अशिक्षित व्यक्ति भी समझ सके। हालांकि वे एक प्रकांड विद्वान थे तथा जर्मन, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और बंगला भाषाओं पर उन्हें अधिकार था। वे चाहते थे कि सभी के बच्चों को समान स्तर की शिक्षा मिले। इस उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए वे साधारण आदमी के जवान बार बार बात कहते थे कि राजा पूत, निर्धन संतान, लेकिन सबकी शिक्षा एक समान। उनकी और भी ऐसी अनेक बातें लोगों की जवान पर चढ़ जाया करती थी। उदाहरण के लिए वो गरीब किसानों के हक में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, उसका श्रेय यदि हिंदुस्तान में किसी को जाता है तो डॉक्टर लोहिया को जाता है। और भूमि सुधार के पक्षधर थे और वो अपनी भाषा में कहा करते थे, गांव को, किसानों को समझाने की दृष्टि से कहते थे, जो जमीन को जोते बोवे, जो जमीन को जोते बोवे वही जमीन का मालिक होवे। जिसे अर्थशास्त्री अंग्रेजी में रेंट सीकिंग एक्टिविटीज कहते हैं, उसे समाप्त करने की बात निहायत ही सरल और धारदार भाषा में डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला खाएगा, नया जमाना आएगा। आज जो कभी कभी प्रधानमंत्री जी, कभी कभी नहीं, वो सदैव बात करते हैं,
न्यू इंडिया की। गांधी जी बात किया करते थे यंग इंडिया की, लेकिन ये डॉक्टर लोहिया जो है उस नए जमाने की जो बात है वो इस प्रकार से किया करते थे। डॉक्टर लोहिया के निरंतर विचरण भरे जीवन, सब कुछ त्यागने के साहस और खरी खरी बात को सीधे सीधे कहने के उनके स्वभाव को देखते हुए उन्हें भारतीय राजनीति का कबीर कहा जा सकता है। कबीर लोहिया जी कहते थे कि जो ऊंची जाति के लोग हैं उन्हें स्वयं ही कमजोर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। और वो साहित्यिक भाषा में क्या कहा करते थे, वो कहा करते थे कि जब तक ऊंची जाति के लोग अपने आप को समाज रूपी जमीन का उर्वरक नहीं बनाएंगे, मतलब खाद उर्वरक नहीं बनाएंगे, तब तक कमजोर वर्गों के गुलाब नहीं खिल पाएंगे। भारत की भावभूमि से अपनी विचारधाराओं के आधारभूत तत्वों को ग्रहण करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति के हित में काम करने की भावना के विभिन्न रूप महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन और संघर्ष में देखने को मिलते हैं। इन सभी विभूतियों ने देश की समस्याओं के एकांगी और विदेशी समाधानों की जगह समग्र और जमीनी सुधारों पर जोर दिया। उनके रास्ते भले ही अलग अलग थे लेकिन उन सभी का एक ही उद्देश्य था, भारत के लोगों को, विशेषकर सबसे गरीब व पिछड़े लोगों को बराबरी और सम्मान का हक दिलाना। आज जरूरत है हमारे सभी देशवासी भारतीय इतिहास के उस महान दौर के जननायकों की सोच से प्रेरणा ले, समाज की आखिरी कतार में खड़े भारतवासी के चेहरे पर मुस्कान लाने का भरसक प्रयास करते रहें। ऐसे प्रयास करना ही डॉक्टर लोहिया की स्मृति को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं एक बार फिर इस व्याख्यानमाला के आयोजन करने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूं और अपने सभी देशवासियों के उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अ बिग थैंक यू टू द प्रेसिडेंट, काइंडली राइज फॉर द नेशनल एंथम। I would request the audience to kindly be seated.